अच्छा, जब से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े ना, तो पीटीआई के कुछ एमएनओएस अपनी फेसबुक पे पूरी दुनिया के जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो जो है ना कंपैरिजन कर रहे हैं उसके ना पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से। तो मैंने क्या पता ये सच कह रहे हैं, तो मैंने गूगल किया, तो मैंने चेक किया। अब मैं बताता हूँ पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो 0.85 डॉलर के हिसाब से अगर हम लगाएं तो 145 रुपये 82 पैसे हैं। यूएसए की बात करें तो 0.98 डॉलर हैं, जो कि पाकिस्तानी 166 रुपये बनते हैं। अगर यूके की बात करें तो 1.42 ब्रिटिश पाउंड स्टेरलिंग के हिसाब से पाकिस्तानी 326 रुपये बढ़ते हैं। अगर जर्मन की बात करें 1.67 यूरो हैं, पाकिस्तानी 328 रुपये बनते हैं। फ्रांस की बात करें 1.90 यूरो के हिसाब से पाकिस्तानी 373 रुपये बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि दुनिया भर में जो है ना वर्किंग आवर्स क्या होता है। वर्किंग आवर्स स्टैंडर्ड जो है दुनिया भर में जो लोग काम करते हैं वो 48 घंटे काम करते हैं एक वीक में। तो हम लोग मंथली बात करें तो मंथली वो 192 घंटे काम करते हैं, ये स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान में जो है ना इससे ज्यादा ही काम करते हैं हम लोग। तो उसके हिसाब से एक आम आदमी जो है, आम आदमी की बात कर रहा हूं, वो कितना कमा लेता है। चले बात करते हैं, आ जाए इधर। अच्छा, यूएसए में जो है वो तनख्वाह 10.5 डॉलर से 15 डॉलर के दरमियान है, वो एज पर स्टेट्स है, जो स्टेट्स होगी उसके हिसाब से ही है, ठीक है। उसमें 12 डॉलर, चले हम एवरेज लगा लेते हैं कि एक बंदा 12 डॉलर कमाता है तो 192 घंटे मंथली काम करता है वो, तो उसकी सैलरी बनती है 2304 रुपये, 2304 डॉलर पर मंथ। अब 2304 डॉलर को हम लोग पाकिस्तानी जो कि डॉलर की रेट 170 रुपये है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास महीने के वो कमाता है 392,025 रुपये। ये एक यूएसए का शख्स आम आदमी कमाता है। अब हम बात करते हैं यूके में। यूके में ये एवरेज सैलरी एज के हिसाब से 7.70 पाउंड से लेके 8.21 पाउंड के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती पर आर के हिसाब से। अब इसमें चलो हम स्टैंडर्ड रख देते हैं 8 डॉलर। अगर बंदा कमाता है एक घंटे के तो 192 घंटे काम करता है तो 1536 ब्रिटिश पाउंड स्टेलिंग कमाता है वो पर मंथ। 1536 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो अभी पाउंड के रेट चल रहे हैं 225.67, तो पाकिस्तानी बन जाते हैं 3,86,46,000 रुपये, 3,86,629 रुपये बन जाते हैं। अब जर्मनी की बात करें, जर्मनी में रेट है 9.60 यूरो। अब 9.60 यूरो को हम लोग 192 घंटे से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके मंथली जो अमाउंट बन गया वो बन गया 1843 यूरो पर मंथ। अब 1843 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जो यूरो की अमाउंट है वो 195 रुपये 55 पैसे, तो पाकिस्तानी बन गए 3,60,000 रुपये। अब एक एवरेज सैलरी अगर हम इनको कंपेयर करके लगाएं तो एक एवरेज सैलरी बन गई एक आम आदमी की। ये लेबर तब का बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई अकाउंटेंट नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये एक आम आदमी जो काम कर रहा है, तो उसकी एक एवरेज सैलरी लगा देते हैं 3,70,000 रुपये। अब वो 3,70,000 रुपये मंथली कमा रहा है। अब पाकिस्तान की एवरेज सैलरी कितनी है? पाकिस्तान की एवरेज सैलरी 20 से 25 हज़ार, चले 30 हज़ार रख लें, वैसे तो है नहीं। और गवर्नमेंट एम्प्लाई की सैलरी है 16,700, हो सकता है 17,700 होगी, इसी ने हुकूमत ने 25 हज़ार कर दी अभी। तो हम अगर 25 से 30 हज़ार रुपये लगाएं कि एक मंथली शख्स कमा रहा है तो वो जो है वो पेट्रोल भर रहा है 145 रुपये का। अच्छा, अब ये जो सैलरीज कमा रहे हैं ना, ये जो पूरी दुनिया में जो सैलरीज हैं उसके हिसाब से इसमें जो है बच्चों की फीस शामिल नहीं है, क्योंकि उनकी जो बच्चों की स्कूल की फीस होती है वो हुकूमत अदा करती है। उस इसमें जो है हॉस्पिटल के खर्चे शामिल नहीं है, क्योंकि वो भी हुकूमत अदा करती है। इसमें माँ बाप की दवाइयाँ शामिल नहीं है, क्योंकि वो भी सीनियर सिटीजन की हुकूमत अदा करती है, वो कंट्रीज के हिसाब से होता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर आपको बच्चे की फीस जमा करवानी है तो आपको एक माफिया मौजूद होता है, उससे आपको 1.5-2 लाख रुपए आपको एडमिशन फीस अदा करनी है, उसके बाद मंथली फीस 1,000 रुपए। अगर हॉस्पिटल जाए तो लोग अपने घर भेज देते हैं, अपने प्लॉट भेज देते हैं, अपनी जमीनें भेज देते हैं कि एक शख्स का इलाज हो जाए। फिर माँ बाप की दवाइयां, अगर कोई शख्स आपके घर में बुजुर्ग है तो उसकी मंथली दवाइयां आती हैं, ये सब 25 हज़ार में पे करना है। और ये तो 3,70,000 रुपये कमा रहे हैं, न इनको ऐसी कोई चीज पे नहीं करनी, और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी भी है, जो कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो हमारे जो पीटीआई के एमएनएस बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में पेट्रोल के प्राइसेस ये हैं, पूरी दुनिया में ये हैं, तो सर आप उधर की सैलरीज भी डिस्कस कर लें, उधर की बेनिफिट्स भी डिस्कस कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर बात समझ में आए तो प्लीज शेयर करिएगा, और ये फजूल की बात नहीं कह रहे।